हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पलपल जेके। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस सेशन में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 के इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इस बार प्रीलिम्स में टोटल 18 क्वेश्चंस आए थे इकोनॉमी पोर्शन से, एंड हियर आई एम हैविंग सेट सी विथ मी एंड विल डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस टुडे इन दिस सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। Cabinet Committee on Economic Affairs has announced minimum support price for which of the above? Government of India, Cabinet Committee on Economic Affairs, on the recommendation of CACP, that is Commission of Agricultural Cost and Prices, minimum support price announced karti hai before harvest. So, at present 26 items hain, commodities hain, jiske liye government MSP announced karti hai, which includes cereals, pulses, oilseeds, एंड दीज आर द लिस्ट ऑफ दीज आइटम्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, अरीका नट दैट इज़ नॉट कवर्ड हियर, बार्ले है, कॉफ़ी नहीं है, फिंगर मिलेट इज़ देयर अंडर सीरियल्स, ग्राउंड नट एंड सी सेसम इज़ देयर अंडर ऑयल सीड्स, टर्मरिक इज़ नॉट देयर। सो एक तरह से ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एंड अदरवाइज अगर थोड़ा आइडिया है कि गवर्नमेंट किस किस चीज़ों का MSP अनाउंस करती है, तो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट विल कम टू क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पहला स्टेटमेंट है, कैपिटल इन्फ्यूजन इन टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज्ड इन लास्ट डेकेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, PSUs बैंक्स है, लगातार वहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूजन कर रही है। क्यों कर रही है? बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इशू ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NPAs का इशू है, प्लस अंडर बेसल 3 नॉर्म्स कैपिटल एडिक्वेसी के कुछ रिक्वायरमेंट्स है जिसको मेंटेन करना पड़ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू इन्फ्यूज कैपिटल इन टू PSU बैंक्स। नाउ यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट दिस कैपिटल इन्फ्यूजन हैज स्टेडली इंक्रीज्ड। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो कैपिटल इन्फ्यूजन कर रही है दैट इज नीड बेस्ड, जैसी ज़रूरत पड़ी है वैसा वैसा वो कैपिटल इन्फ्यूजन कर रही है। एंड अगर हम थोड़ा ट्रेंड देखें पिछले 10 ईयर्स का, स्टार्टिंग फ्रॉम 2008, तो लगातार इंक्रीज नहीं हुआ है, स्टेडी इंक्रीज नहीं है। ऑल दो कैपिटल इन्फ्यूजन इज देयर, बट देयर इज नॉट स्टेडी इंक्रीज इन द पैटर्न। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक्स विद द पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन अफेक्टेड। नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एसोसिएट बैंक्स की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव देयर प्रॉफिट्स एंड टू रिड्यूस देयर कॉस्ट एंड रैशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों के लिए द मर्जर हैज़ बीन अफेक्टेड। सो बोथ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो हियर विल गो विद द ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द अबव आइटम्स इज और आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST? तो अगर GST के बारे में आइडिया है, पढ़ा है, तो वी नो देयर आर 4 टैक्स, इट्स अ 4 टैक्स रेट स्ट्रक्चर, 5% पे टैक्स है GST का, 12%, 18% एंड 28%, एंड समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल GST एज 5-tier टैक्स स्ट्रक्चर, अगर हम 0% और 0 रेटेड टैक्स रेट को भी अप्लाई करते हैं। 0 रेटेड किन के ऊपर लगता है? 0 रेटेड बेसिक कंज्यूमर बास्केट में जो फूड ग्रेन्स हैं, जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं लाइक फूड ग्रेन्स, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, दे आर 0 रेटेड। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में है विच ऑफ देम आर एग्जेम्प्टेड, देन वी आर टॉकिंग अबाउट 0 रेटेड प्रोडक्ट्स। एंड यहाँ जो ऑप्शन 1 है, सीरियल ग्रेन्स हल्ड, दिस वुड कम अंडर 0 रेटेड, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 चिकन एग्स कुक्ड, ये नहीं आएगा इसमें, बेसिक कंज्यूमर बास्केट के अंदर ये नहीं आता है। एंड थर्ड प्रोसेस्ड फूड के बारे में बात हो रही है। फोर्थ न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग, ये दोनों भी 0 रेटेड या फिर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56, एंड इस क्वेश्चन में मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी पूछा गया है। लीगल टेंडर मनी क्या है? एक ऐसा मीन्स है पेमेंट ऑफ डेब्ट्स का, सेटलमेंट ऑफ डेब्ट्स का, जहाँ जो अदर पार्टी है उसको
लीगल टेंडर मनी एक्सेप्ट करना ही होगा, वो रिफ्यूज नहीं कर सकती। जैसे अगर हम करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स की बात करते हैं एंड आप कुछ भी खरीदते हैं या किसी चीज़ के लिए यू आर गिविंग द मनी बैक, तो दैट मनी हैज़ टू बी एक्सेप्टेड। वहाँ लिखा होता है आई प्रोमिस द बियरर, उस मनी की वैल्यू होती है दैट इज़ बैक्ड बाई द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सो दैट मनी कैन नॉट बी रिफ्यूज इन द सेटलमेंट ऑफ डेट्स। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन, उसको लेना ही है, टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स, ही कैन नॉट रिफ्यूज दिस लीगल टेंडर मनी। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेज विच इज टेंडर इन कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफ्रे द फी ऑफ लीगल केसेस, ये भी करेक्ट है बट दिस इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ लीगल टेंडर मनी। सी ऑप्शन कहता है इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा, दिस इज नॉट लीगल टेंडर मनी। चेक वगैरह समबडी कैन रिफ्यूज, पोस्ट डेटेड चेक्स हो सकते हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं, सो दैट इज नॉट अ लीगल टेंडर मनी। एंड ऑप्शन सी सेज, डी सेज मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन इन कंट्री, तो ज़रूरी नहीं है मेटालिक मनी ही हो, करेंसी नोट्स भी हो सकते हैं, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। द बेस्ट ऑप्शन और द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 57। इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, देन ऑप्शंस दिए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या? Whenever as an investor or as a consumer you are making a choice, then आपके पास उस टाइम और भी alternative choices भी होते हैं। So opportunity cost is exactly the value of what you have given up in order to choose something else। जो alternative था हमारे पास that we have not chosen, उसकी value को हम opportunity cost कहते हैं। ऑप्शंस पे आते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन सेज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो। कंज्यूमर के प्रस्पेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो उसको चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, तो यस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसके लिए ज़ीरो है, बट एग्जैक्टली ऑप्शन में डिफाइन नहीं है कि किसके लिए ज़ीरो है। सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट इग्नोर्ड। एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बींग ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर टू सम अदर पार्टी। किस पे ट्रांसफर हो रहा है? ऑप्शन सी एंड डी देखते हैं। I'll go with D as the correct option. Opportunity cost is transferred from the consumer of the product to the government, because government is actually paying for the free commodity that it is providing to the public. अब government उसके लिए resources from tax paying public ले सकती है, या फिर government के पास other sources of receipts हैं। It can take loans from abroad, it can receive grants and aids from abroad. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डिसइन्वेस्टमेंट से इनकम आ सकता है या फिर किसी भी दूसरे सोर्स से आ सकता है। तो एग्जैक्टली अगर हम कहते हैं कि सिर्फ टैक्स पेइंग पब्लिक पर ही सारा ट्रांसफर हो रहा है, तो दैट कैन नॉट बी द केस, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ अदर सोर्सेज ऑफ रेजिंग रेवेन्यूज ऑल्सो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटल रियल GNP डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ। So it is given that absolute terms mein real GNP of the country is increasing, and also per capita real GNP, that is total GNP upon the population of the country, per capita real GNP is also increasing. Toh yahan par growth hai economy mein, but this is not translating into the economic development. Growth and development ke concepts different hai. Okay, toh growth toh hai economy mein, but development nahin ho raha hai. If conditions दिए हुए हैं, तो अगर हम options को देखें तो जो first two options हैं industrial output and agricultural output, उनका आपस में pace नहीं है, तो it is just giving some details about the growth, economic growth कहाँ ज़्यादा हो रहा है कहाँ कम हो रहा है उसके बारे में details बता रहा है, development के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है यहाँ पे। Similarly option D को अगर हम देखें तो imports grow faster than exports, ये भी development के बारे में कुछ नहीं बता रहा, irrelevant है। And option C, poverty and unemployment increases. This is telling about the economic development. Economic development नहीं हो रहा economy में. This is the right answer which tells us that higher growth is not translating into the economic development. Next is question number 59.
This is related to human capital formation. It says human capital formation as a concept is better explained in terms of a process which enables, first says, individuals of a country to accumulate more capital. More capital accumulation say human capital formation ka relation nahi hai. These two are the different things. So first is the wrong option. Second is increasing the knowledge, skill levels and capacities of the people of the country. This is the correct option as human capital formation. It refers to the acquisition of knowledge, skills, learning abilities and capacities of the people. And third says accumulation of tangible wealth. Tangible wealth meaning that physical wealth. जिसको हम टच कर सकते हैं जैसे मशीन्स हैं इक्विपमेंट्स हैं ओके तो अक्यूमुलेशन ऑफ टैंजिबल वेल्थ का भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन एंड द फोर्थ वन सेज अक्यूमुलेशन ऑफ इनटैंजिबल वेल्थ इनटैंजिबल वेल्थ फॉर एग्जाम्पल जो भी एज एन इंस्टीट्यूशन द होल इकोनॉमी जो भी एक्वायर करता है लाइक ट्रस्ट फैक्टर इन द सोसाइटी देन क्लियर प्रॉपर्टी राइट्स अगर डिफाइंड है लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस अगर अच्छा है तो दीज आर दी इन टैंजिबल वेल्थ जो स्लोली सोसाइटी एज अ होल और द इकोनॉमी एज अ होल इट अक्वायर्स सो अक्यूमुलेशन ऑफ इन टैंजिबल वेल्थ इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी सी ऑप्शन सी दैट इज 2 and 4 Next is question number 60, which says, despite being a high-saving economy, capital formation may not result in significant increase in output due to. So, this question says ki economy mein savings high hai, capital formation hai, investment ho raha hai, but still significant increase nahi hai output mein, uska reason kya ho sakta hai. So, pehla option agar hum dekhte hain, to weak administrative machinery. This can be one reason, but exactly investment and आउटपुट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलता है सेम विथ इलिटरेसी दैट इज ऑल्सो नॉट गिविंग एनी रेलिवेंट रिलेशन हाई पॉपुलेशन डेंसिटी दैट इज ऑल्सो इरेलीवेंट है कैपिटल फॉर्मेशन एंड आउटपुट से हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इज टोटली इरेलीवेंट फोर्थ ऑप्शन है हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो दिस इज द करेक्ट आंसर कैपिटल आउटपुट रेशियो का क्या मतलब है दैट हाउ मच कैपिटल और हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज वन यूनिट ऑफ आउटपुट एक यूनिट आउटपुट के लिए कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए वो हमें कैपिटल आउटपुट रेशियो बताता है सो इफ कैपिटल आउटपुट रेशियो इकोनॉमी में हाई है दैट इज जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी लो है इकोनॉमी की रिसोर्सेज उतने थोड़े रिसोर्सेज इनएफिशियंट हैं देन वी से कैपिटल आउटपुट रेशियो इज हाई एंड दैट्स वाई इवन After having a high capital formation, there is not a significant increase in the output. Question number 66. Which of the given statements are correct? First statement says, Reserve Bank of India manages and services Government of India securities, but not any state government securities. This is wrong option. RBI is the banker to the government and it manages and services the government securities of both government of India as well as of state government. Second statement hai, treasury bills are issued by the government of India and there are no treasury bills issued by the state government. This is correct. Sirf central government hi treasury bills issue karti hai. Third hai, treasury bills offer are issued at a discount from the par value. This is also a correct statement. Treasury bills jab government of India issue karti hai, to uski value kya hoti hai? उसके पार वैल्यू दैट इज फेस वैल्यू पे कुछ डिस्काउंट प्राइस पे इशू करते हैं एंड जब ट्रेजरी बिल्स मैच्योर हो जाता है तो पार वैल्यू पेमेंट करती है गवर्नमेंट टू दी ट्रेजरी बिल होल्डर सो व्हाट डज इट मीन्स एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल अगर ट्रेजरी बिल फॉर एग्जांपल 1000 rupees का गवर्नमेंट इशू कर रही है उसकी फेस वैल्यू 1000 rupees है तब जब इशू करेगी तो डिस्काउंट पे देगी 1000 को लेट सपोज 900 rupees पे दे रही है आपको एंड व्हेन टर्म ओवर हो जाएगा मैच्योर हो जाएगा टी बिल देन वापस इट विल टेक बैक द टी बिल फ्रॉम द अदर पार्टी एंड इट विल पे द फेस वैल्यू दैट इज 1000 rupees तो जो 900 and 1000 का डिफरेंस है वो आपको रिटर्न्स मिलेगा अपॉन द टी बिल सो बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी
Next is question number 71. Which of the given statements are correct? So this question is about capital adequacy ratio. Capital adequacy ratio basically a financial metric hai, which determines the ability of a bank to withstand losses. Okay, so this is the ratio of the bank's capital in relation to its risk-weighted assets and current liabilities. And iske hisab se bank kitna loss withstand kar sakta hai, wo determine karti hai. So CAR is the amount that banks they need to maintain with themselves in the form of their own funds to offset any kind of losses. So statement 1 is correct, and CAR is determined by the central bank, in our case RBI, for all the banks. So statement 2 is wrong. So here A is the right answer, only 1. Next is question number 18. This question is related to National Food Security Act 2013. Which of the given statements are correct? First statement par aate, the families coming under the category of below poverty line only are eligible to receive subsidized grains. So this is a wrong option. Basically, Food Security Act ke andar two kind of beneficiaries hain. Pehle to first one is Antodaya Anna Yojana ke andar jo poorest of the poor fall karte hain wo hain, and second jo intended beneficiaries hain, they are determined by the state government on the basis of socio-economic and caste census data. So sirf BPL nahi hai. And other than this also, if you know that National Food Security Act is covering a total around 75% of the country's population, 90% in rural areas and 50% in urban areas, then also you can easily say, or you can easily strike off the first option, that sirf BPL ke agar log hote to 75% coverage nahi hota total NFSA ka. Second option hai, the eldest woman in the household of her age 18 years or above shall be the head of the household for the purpose of issuance of ration card. This is the correct statement. Women empowerment ka bhi isme ek clause hai for empowering the eldest woman of the household. Third hai, pregnant women and lactating mothers ke bare mein. Inka bhi provision hai NFSA mein, but this is the wrong option because yahan diya hua hai 1600 calories per day. But the correct answer is that they are eligible to receive maternity benefit of not less than rupees 6000. So the correct answer is only second option, B option. Next, coming to question number 81. India enacted the Geographical Indications of Goods Act 1999 in order to comply with the obligations to. तो इस क्वेश्चन में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट की बात हो रही है. तो पहला ऑप्शन तो आईएलओ से रिलेटेड है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन से है, दैट हैज नो रिलेशन विद ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स. सेकंड आईएमएफ एंड यूएनसीटीएडी से भी कोई रिलेशन नहीं है. इफ यू नो अबाउट डब्ल्यूटीओ, ऑप्शन डी विच इज द करेक्ट आंसर. तो डब्ल्यूटीओ में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, देयर इज वन ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर एक एग्रीमेंट है विच केम इन टू इफेक्ट इन 1995, और वहाँ पे 7 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कवर्ड हैं जिसमें से एक है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. एंड बेस्ड ऑन दैट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 वाज इनएक्टेड इन इंडिया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 88. This is based on NSSO 70th round situation assessment survey of agricultural households. Teen statements di gayi hai in relation to that, and this is a totally fact based question. The first statement says Rajasthan has the highest percentage share of agricultural households among its rural household. This is the correct statement. Rajasthan mein highest percentage hai agricultural household ka, which is around 78.4% among its rural household. Second hai, out of the total households in the country, a little over 60% being to OBCs. This is the wrong option because around 45% belong to other backward classes of the total estimated agricultural households in the country. Third option says, in Kerala, a little over 60% of agricultural households reported to have received maximum income
from sources other than agricultural activities. This is also a correct statement. Agricultural activity, as a report kiya gaya tha, that it was the prime source of income for the majority of agricultural households in all the state. And only exception was Kerala, where 61% of the agricultural households, they received maximum income from the sources other than the agricultural activities. So the correct answer here is option C, statements 1 and 3 only. Next is question number 91. Which of the following best describes the term merchant discount rate, sometimes seen in news? Merchant discount rate or MDR, kya hai? Basically, it is a fee that the store accepting your card has to pay to the bank when you swipe it for the payments. Jab bhi hum kisi store mein card se koi payment karte hain, to wahan pe store ko ek part of the fee us particular bank ko pay karna padta hai, that is known as MDR. And this fee is paid to the bank for putting up the swiping machine, or we can say point of sale terminal wahan put karne ke liye, and for other network operations. So yahan jo given options hai usme agar hum option 3 dekhen, to the charge to a merchant by a bank for accepting payments from his customer through the bank's credit card. Next is question number 93. This is with reference to India's decision to levy an equalization tax of 6% on online advertisement services offered by non-resident entities. So, here is equalization tax. Equalization tax is on multinationals. Aise multinationals ke upar, those who are operating in cyberspace. And they do not have permanent establishments in India. That is, yahan pe they are non-resident entities, but they are earning income from online advertisement services. Local online advertisement services se they are making money from India, but uske upar wo koi tax nahi de rahe the. To uske liye equalization tax ka provision aaya in June 2016 mein. And isko Google tax bhi kehte hain. Google tax ka ek case tha UK mein, जहां गूगल ने खुद को डबलिन आयरलैंड में रजिस्टर किया था, एंड दे वर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स आउट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड अदर सर्विसेज, बट दे वर पेइंग निग्लिजिबल टैक्स टू द यूके गवर्नमेंट. बाद में उनको एज अ पेनल्टी काफ़ी कुछ पे करना पड़ा. तो आफ्टर दैट इंडिया में भी इक्वलाइजेशन टैक्स का प्रोविजन आया. सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. दिस इज रॉन्ग. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस बिल. एंड सेकेंड इज non-resident entities that offer advertisement services in India can claim tax credit in their home country under double taxation avoidance agreement. So yahan pe jo wo tax de rahe hain uske upar they can claim some kind of relaxation under DTAA. This is also wrong option. So the correct answer here is D, neither 1 nor 2. Next is question number 94. This is regarding FRBM रिव्यू कमिटी रिपोर्ट. एफ आर बी एम एक्ट 2003 में आया था, एंड 2017 में एफ आर बी एम रिव्यू कमिटी अंडर मिस्टर एन के सिंह इट हैज़ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट. तो टोटली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें दिया गया है कि रिव्यू कमिटी का रिकमेंडेशन था दैट अ डेप्ट टू जी डी पी रेशियो ऑफ 60% फॉर जनरल गवर्नमेंट होना चाहिए, एंड 40% सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एंड 20% स्टेट गवर्नमेंट के लिए होना चाहिए बाय 2023. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट सेज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द डोमेस्टिक लायबिलिटी ऑफ 21% ऑफ जीडीपी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 49% ऑफ जीडीपी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स. दिस इज रॉन्ग. सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटी इज अराउंड 37%, एंड स्टेट गवर्नमेंट की भी लायबिलिटी इज नॉट क्लियरली डिफाइंड हियर. एंड द थर्ड ऑप्शन सेज दैट as per the constitution of India it is mandatory for the state to take central government's consent for raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the latter. This is the correct option. Constitution ke andar article 293 ke andar it is given ki agar state government ke paas outstanding liabilities hai to usko central government se consent lena padega for raising any further loan. So here the correct option is option C, 1 and 3 only.
Question number 95. This is regarding edible oil. First statement says quantity of imported edible oil is more than the domestic production of edible oils in the last 5 years. So India mein edible oil ka demand kafi high hai and compared to that oil seed production although increase ho raha hai but still hum log heavily dependent hai on the import of edible oils and agar figures dekhe to almost 60% of our requirement 60% of our requirement of edible oil is fulfilled by the imports. So first statement is correct. Imports are greater than the domestic production. Second statement says the government does not impose any custom duty on all imported edible oils as a special case. This option is wrong because government imposes custom duties and jo taxes lagate hain uske upar import duties lagati hain that ranges from 60% to even 100% in some cases. And this government is doing in order to protect domestic oil seed industry from the cheaper export competition. So the correct answer is only one, A. Next is question number 100. Which of the following links all the ATMs in India? Pehla option hai, Indian Banks Association. This is not related to linking of ATMs. Second hai, NSDL. National Security Depository Limited. This is related to security deposits of share market. Iska bhi koi relation nahi hai yahan pe. So option C and D. In mein se the correct option is C. National Payment Corporation of India. NPCI 2007 mein aya. And this is the initiative of Reserve Bank of India and Indian Banks Association. Basic function kya hai iska? That it's an umbrella organization for operating retail payments and settlement systems in India. And iske andar hi ek aur iska unique service hai that all the interbank ATM transactions are facilitated by NPCI, which enables any bank holder to withdraw cash from any ATM. So the correct option here is option C. So this was all for this session. I hope you have like the session and you have marked most of the answers correctly. All the best for your result. Have a very nice day. Thank you.